आपको ये मांगना चाहिए, जो भी नेता आपके सामने आए, आपको कोई मुफ्त का टू व्हीलर नहीं चाहिए, आपको नौकरी मांगनी चाहिए, रोजगार मांगना चाहिए, अपना विकास मांगना चाहिए, अपना भविष्य मांगना चाहिए, आपको किसी की चंदा नहीं चाहिए, आप अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव आपकी आत्मसम्मान की बात है। जिस तरह से युवाओं को धोखा दिया है, उसी तरह से चाय के बगान के श्रमिकों को धोखा दिया है। कहा था कि ट्राइब्स को एक अलग दर्जा देंगे, नहीं दिया। जमीन के पट्टे देंगे, वो भी नहीं दिए। जैसे मैंने पहले कहा, 350 की दिहाड़ी देनी थी, वो भी नहीं दी। अब चुनाव आ रहा है, कुछ हफ्ते पहले थोड़ी सी बढ़ा दी, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ करेंगे आपके लिए। तो जब ये आपके सामने आकर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपका भविष्य बनाएंगे, हम विकास कराएंगे, तो आप इनमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपका अनुभव रहा है, आपने देखा है 5 सालों में क्या किया गया आपके लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी, हो सकता है कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन विकास तो हुआ था आसाम का, आपकी संस्कृति तो बचाई गई थी, कोई सीएए जैसा कानून तो नहीं ठोका गया था आपको। तो आप मेरी बहने हैं, आपके सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहना चाहती हूं, अपने जीवन की परिस्थिति आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मेरे साथ बैठे हुए नेता भी शायद इस तरह से नहीं जानते होंगे जिस तरह से आप जानते हैं। रोज आप उस सच्चाई का सामना करते हैं। तो जब आप निर्णय लेने जाएंगे, बहुत सोच समझ के लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक अच्छा काम किया है। चुनाव से पहले आपके बीच हमारे पार्टी के नेता आए, पूरे असम में घूमे, और जो आपकी मांगे थी, जो आपकी समस्याएं थी, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की। उसमें से उनको ये लगा कि 5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके लिए आप कर पाए जब सरकार में आए, तो आपको बहुत सुविधा होगी। तो कांग्रेस ने इस चुनाव में 5 गारंटी तय की है। ये वादे नहीं है, ये खोखले वादे नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये 5 गारंटी है कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी करते हैं कि ये काम हम आपके लिए करेंगे। क्या है ये 5 गारंटी? सबसे पहले तो रोजगार की बात है। हम 25 लाख रोजगार का दावा नहीं कर रहे हैं, हम 5 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऐसा दावा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, ये खोखला नहीं है। हम भी कह सकते थे 25 लाख करेंगे, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे, कि किसी भी हालत में असम की संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे, कि जैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपको हमेशा एक अहमिया मुख्यमंत्री मिला है, उसी तरह से अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको फिर से एक अहमिया मुख्यमंत्री मिलेंगे। जो चौथी गारंटी को पूरा करेगा, चौथी गारंटी यह है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे कम से कम 1200 रुपए का बचाव आपका होगा, तो हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एक और गारंटी यह है कि जो टी ट्राइब्स के मेरे भाई बहन हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं
कि हम दिहाड़ी 365 रुपए की करेंगे और ये हमारा मेरा अपना वादा है आपको कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कराएंगे। पांचवा गारंटी, आखिरी गारंटी है, लेकिन मेरी बहन ने ध्यान से सुने क्योंकि इसमें आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। आप गृहस्थ हैं और जो काम आप करती हैं, जो महिला घर पे रहकर सारा काम करती है, बच्चों को बड़ा करती है, मेहनत करती है, उसकी समाज में बहुत कम पहचान है। समाज छोड़िए, सरकार कम पहचानती है। हम चाहते हैं कि आपको अपना सम्मान मिले, अपना पहचान मिले, कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए हर महीने उनके खाते में कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट डालेगी। महिलाओं के खाते में ये पैसे आएंगे ताकि आप बचाव कर सकती हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं और आपने अपने परिवार के लिए आप भी घर में जो काम है उसको भी करते हुए कुछ कमा सकती है। तो ये हमारी पांच गारंटी है जो हमें आशा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अब राणा गोस्वामी जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ।